जल है तो कल है, किसी ने इस पंक्ति को कहने से पहले जरूरी भविष्य में होने वाली जल समस्याओं को करीब से जाना होगा, समझा होगा। वैसे तो यह बेहद चौंकाने वाला शब्द है। वजह यह है कि पृथ्वी के तीन हिस्से जल से परिपूर्ण है, जल की कोई कमी नहीं है, पर धरती की कुंभ में पीने वाले पानी को करीब से टटोलने और जल है तो कल है कहना वास्तविक रूप से भविष्यवाणी होना और सत्य भविष्यवाणी होना तय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पीने वाले पानी है ही नहीं, किसी दूसरे जगह या दूसरे स्टेट से लाया जाता है। अंदेशा है कि आने वाले 40 वर्षों में भारत के अधिकतर हिस्सों में सहित दुनिया के अधिकतर हिस्सों में पीने वाले पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जो आम जन के लिए मौत की घंटी है, जिसके छोटे छोटे शब्दों के साथ लोग जल है तो कल है, जल ही जीवन है जैसे अनचाही शब्द कह रहे हैं। इसकी पड़ताल में भटकता हुआ सैटेलाइट न्यूज भी कई जगह जल संचय करने और गांव में कुएं जैसे शब्दों की पड़ताल किया, जहां कुछ की अस्तित्व समाप्त हो चुकी है तो कुछ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो कितने ढके पड़े हैं, पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, कोई कुआं तो नहीं मिला, पर जल संचय के लिए इनका सफाई कर इनको अस्तित्व में लाना जरूरी है, वरना हम जिन भविष्य या बच्चों के लिए कल सींच रहे हैं वह जल संकट से ही मर जाएंगे और सब कुछ रहने के बावजूद भी पानी के वजूद को तड़पेंगे और तब कहा जाएगा कि बिन पानी सब सुन। इसलिए कुओं के अस्तित्व में लाना और भविष्य को सींचना बहुत जरूरी है। वैसे तो कहा गया है कुएं का ठंडा पानी पीपल की छांव रे। कि कैसे उसका उपयोग होता था पहले, कुआं ही से सारा काम गांव का निर्भर रहता था, गांव का पानी पीने के लिए, कहीं आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए, और ये सब अगल बगल अगर खेती है तो उसके सिंचाई के लिए ये सारा व्यवस्था जो है गांव का होता था कुएं से, और वही एक साधन था पानी का। वर्तमान स्थिति यही है कि हैंडपाइप से आपको कहना कि अगर आग लग गया तो उतना आपको सहूलियत नहीं मिल पाएगा जितना कुएं। आपके गांव में साफ सफाई होती है? अभी नहीं, कुएं का कोई ध्यान ही नहीं है, जैसे हैंडपाइप हो गया। कुआं का पानी तो बचाना बहुत जरूरी है। जल स्तर अपने महाराजगंज जिले में भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, न्यूज में भी दिखाया जा रहा है। 10 साल में महाराजगंज जिला में सबसे कम जल स्तर हो गया है। इसको बचाने के लिए कुएं को साफ रखना बहुत जरूरी है और पानी के माध्यम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और पानी को जो पीने वाला पानी को अलग इस्तेमाल किया जाए, खेती के लिए अलग इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से हर सभी को जानकारी देना और इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है सबके लिए। जी, मेरा नाम ऋषिकेश यादव है, मैं ग्राम सभा खनौली पुष्टवाली निचलौल जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ, और मेरे ग्राम सभा के प्रधान माननीय श्री गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, उन्होंने हमें जो है कि अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उनकी दिशा निर्देश में मैं ग्राम सभा के प्रति जो है कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करता हूँ, जहाँ तक उनका दिशा निर्देश होता है हर क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रयास। जल स्तर घटता जा रहा है, इसके संबंध में आप कभी कुएं की साफ सफाई कराए हैं? कुएं की सफाई इसके पहले जो भी प्रधान लोग होते थे, मतलब सफाई का कार्य किया जाता था, लेकिन वर्तमान में सही बात यह है कि मतलब कुएं की सफाई जो है कि प्रयासरत हम लोग रहते हैं, कुएं की सफाई तो होती ही है। गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप लोग कुएं पर गंदगी न करें, कुएं में कबाड़ न फेंकें, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि उनको अभी मैं डांटा बोला हूँ जो है कि इसके पहले भी कई बार लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया कि आप लोग गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि जल की बहुत बड़ी समस्या है। आज तो मेरे वहाँ फिलहाल कुछ स्तर पर ये जो कि उत्तर प्रदेश के जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में जो है ये निचौल ब्लॉक में जो है कि जल स्तर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी बुंदेलखंड वगैरह चले जाइए तो वहाँ पानी के लिए कितनी किल्लत होती है इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है। लेकिन मेरे द्वारा प्रयासरत है, मैं प्रयासरत हूँ प्रधान जी के दिशा निर्देश में, और मैं आगे भी प्रयासरत रहूँगा कि कुएं की साफ सफाई की जाए। लोग पानी नहीं पीते तो साफ सफाई किया जा रहा है, तो इसमें कूड़ा करकट कौन डालता है कुएं में? बाहर से उड़ करके आता है। तो आप का बगल में ही घर है और कुएं पर यह ईंट जो है अतिक्रमण रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है? हम रखे हैं, और किसके द्वारा रखे? आखिर क्यों रखे हैं? जगह खाली था तो रख दिए। कब तक हटाएंगे?
शाम को बता देंगे कुएं को साफ सफाई रखा जाए इसमें। नहीं, आपके द्वारा क्या भूमिका रहेगी? आपके घर के पास कुआं है तो इसकी साफ सफाई कब आप करेंगे? हम प्रतिदिन करते हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है कि नहीं? बनता है, साफ सफाई रखते हैं। रखते साफ सफाई तो उसमें कचरे दिख रहे हैं अभी। हाँ, तो वो कहीं से कहीं फेंका गया ही कचरा है, वैसे उड़ कर तो आएगा नहीं, ऊपर से लकड़ी तो बाहर से गिर जा रहा है, कोई कुछ फेंक गिर रहा है, हवा चल रही है तो उसमें जा रहा है कूड़ा करकर। लकड़ी क्यों रखा गया है उसमें? जानवर गिर जा रहे हैं, कुत्ते गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई बच्चों के साथ भी यहाँ घटना हुआ है? बच्चों के साथ भी पहले हुआ था, औरत गिर लली उसमें। यहाँ क्या कोई बच्चे भी मर चुके हैं कुएं गिर करके? बच्चे बच्चे गिर करके मरे हैं? हाँ, प्रधान जी के जो नागेंद्र पटेल हैं कुएं में बच्चे गिर कर मरे हैं। पर इसे बचाना भी उतना ही जरूरी है कि भविष्य ही पल सके। पर दूसरों को कौन कहे, सोचें समझें और भविष्य को सिंचित करें।